आपको बताया श्रीलंकन एक था यहां पे मुलाजिम सियालकोट के अंदर, उसके साथ जो कुछ हुआ और बाद में सजाए मौत भी हुई उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे, कई लोगों को कैद भी हुई, लेकिन उसका कोई सबक नहीं सीखा। कुछ अरसे बाद मियां चन्नू के अंदर भी एक वाकया हुआ, वो एक पागल शख्स था जो कुरान के औराक को आग लगा रहा था, उसे कत्ल कर दिया गया। बाद में पता चला कि वो तो पागल था। अब मुझे बताएं एक पागल शख्स के ऊपर कौन सी शरीयत अप्लाई होती है। सही बुखारी के अंदर ये तालीकन रवायत है, सुन्न इब्ने माजा में पूरी सनद मौजूद है। सैयदना उमर ने अपने दौर के अंदर एक पागल शख्स के ऊपर हाथ जारी की तो हजरत अली ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स पे आप हाथ नहीं जारी कर सकते, क्योंकि तीन लोगों से अल्लाह ताला ने कलम उठा लिया है शरीयत का। नंबर वन जो मजनून है, नंबर टू सोया हुआ शख्स, और नंबर थ्री जो छोटा नाबालिग बच्चा है। तो हजरत उमर ने अपना डिसीजन वापस लिया, और ये पूरी हदीस सुन्न इब्ने माजा में हजरत अली ने ही रसूलुल्लाह से भी रवायत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहां तो यानी कुछ पता ही नहीं चलता। जुडिशरी का निज़ाम इसलिए होता है ताकि ये पता चले कि किसी शख्स ने अपनी जाती दुश्मनी निभाई है इस बंदे को मारने के लिए, तोहीन मजहब का सहारा लिया है, या वाकयातन उस शख्स ने कोई ऐसी तोहीन की है। फिर हर तरह की तोहीन मजहब जो है वो एक तरह का रिजल्ट नहीं रखती कि आपने उसे दुनिया से ही खत्म कर देना है। कई एक जराइम है जिनके ऊपर ताजीर है। अब ये तो जुडिशरी का, काजी का काम है। अब अगर कोई ये कहे कि जी यहां तो कानून इंसाफ करता नहीं है इसलिए हम कानून हाथ में लेते हैं, तो मेरे भाई अगर यही बात मान ली जाए तो ये तो बड़ा खतरनाक रिजल्ट निकलेगा इसका। क्योंकि जितने अहले हदीस हैं वहाबी, वो बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल है। तो फिर ठीक है, बरेलवियों को इजाजत दे दें कि वो कानून हाथ में लें और वहाबियों का खात्मा करना शुरू कर दें पाकिस्तान से। इसी तरीके से जितने बरेलवी हैं और देवबंदी हैं और शिया हैं, वो वहाबियों के नजदीक मुशरिक हैं। वो कहते हैं ये तो अल्लाह के गुस्ताख हैं, हम पर तो नबी इस्लाम की गुस्ताखी का इल्जाम ये लगा रहे हैं, ये तो अल्लाह के गुस्ताख है, वो तो उनको भी खत्म कर देंगे, इसका तो एंड ही कोई नहीं होना। और अक्सर आप देखेंगे जाहिल किस्म के लोग जिन्होंने कभी जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ी होती, कानों में उनकी बालियां होती हैं, हाथों में उन्होंने कड़े पहने हुए होते हैं, उनसे आप कलमा सुने नमाज सुने उन्हें नहीं, लेकिन वो सबसे आगे डंडे उठा के ना मारने वालों में और गाड़ियां तोड़ने वालों में, बैंक लूटने वालों में वो लोग शामिल होते हैं और नारा लगा रहे होते हैं लबाई का या रसूल अल्लाह। अब मुझे बताएं रसूलुल्लाह अगर दुनिया में मौजूद हो तो ये इनको यही कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गैर बादी, इन पे फिटकार हो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। आज तक किसी आशिके रसूल ने जो है वो लब्बाई का या रसूलुल्लाह कह के अपने मोटर बाइक को तो आग नहीं लगाई है, लोगों की मोटर बाइक्स को, लोगों की गाड़ियों को, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये कौन सा दीन है? और फिर हम पूरी दुनिया को बताते हैं फख्र ये कि जी इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, अमन का दीन। गैर मुस्लिम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे कि हम इस रिलीजन में नहीं है, अदरवाइज हमारे साथ भी ये कुछ हो रहा होता। यहां तो एक फिरका दूसरे के साथ भी कर देते ना। अब ये जो शख्स था वारिस नामी, इसके बारे में पुलिस के भी मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं। बहरहाल जो हमें एक लुबे लबाब पता चला है वो यही है कि इस पे पहले भी कोई तोहीन मजहब का इल्जाम था कि इसने कुरान पाक के औराक को यूज किया है कोई जादू वगैरह करने के लिए, और फिर ये कुछ अरसा जेल में भी काट के आया, उसके बाद फिर छूट गया। लेकिन अब ये नहीं पता कि वो छूटा किस लिए, इसलिए छूट गया कि वो इल्जाम साबित नहीं हुआ, या उसने अपने ड्यू सजा भुगत ली थी, ये कोई तफसीलात नहीं पता। अब भी वो कह रहे हैं कि उसने कुरान पाक के सफात के अंदर वो छुरी दाखिल की हुई थी और अपनी कोई वाइफ थी उसकी जिसे तलाक दी हुई थी उसने, या कोई नाराजगी थी उससे सुलह की कोशिशें कर रहा था, या उसके ऊपर कोई जादू कर रहा था और फिर वो लोगों ने देख लिया। अब पता नहीं वो घर के अंदर कर रहा था या गली में कर रहा था कि लोगों ने देख लिया। अब किन लोगों ने देखा वो तो आपके सामने है, वो नाराबाजी उसी तरीके से वो करते नजर आ रहे हैं और उसकी हीट जो है वो सब लोग महसूस कर रहे हैं।
और किसी की जरूरत नहीं कि आके बोल जाए कि यार ये कौन सा इस्लाम है कि आप खुद कानून को हाथ में ले रहे हैं। हम कब कहते हैं कि किसी को तोहीन मजहब के ऊपर सजा नहीं होनी चाहिए, हम कहते हैं सजा हो लेकिन इस्टेब्लिश तो हो, और उसके बाद जो उसके गुनाह या जुर्म की इंटेंसिटी है उसके मुताबिक हो। यह नहीं है कि हर शख्स को आप मुझे बताएं कुरान पाक की अगर तोहीन बकौल आपके हो गई है उसके ऊपर यह नारा लगाना कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा। अब कुरान पाक की अगर तोहीन हो गई है इसका मामला गुस्ताखे रसूल के साथ कैसे हो गया? वो कह गए इसलिए कि कुरान तो नबी इस्लाम पर नाजिल हुआ है। तो सरकार अगर यही आपने कुरालरी बनानी है तो फिर तो हम ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह की पूरी उम्मत जो है वो भी तो नबी इस्लाम के साथ निस्बत रखती है। और जामे तिरमिजी में और सुन्न इब्ने माजा में हदीस मौजूद है कि काबा तेरी हुरमत है लेकिन एक मोमिन की हुरमत अल्लाह के नजदीक काबे से भी बढ़ के है। लिहाजा आप जो मुसलमानों का भी दिल दुखाते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, तो फिर इसके अगेंस्ट आपके साथ भी यही कुछ कर दिया जाए। इस तरह क्रॉलरीज नहीं बनती, ये आपका काम ही नहीं है, जाहिल और जड़ लोगों का काम नहीं है। जुडिशरी का काम है कि वो शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसला करे कि ये बंदा गुस्ताख है या नहीं है, और ये चीज भी डिटरमिन करे कि इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त भी है कि नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुसलमान तो छोड़ दें, कोई गैर मुस्लिम भी तसव्वुर नहीं करता कि कोई इस किस्म की गुस्ताखाना एक्टिविटी इलानिया परफॉर्म करेगा। छुप के भी बहुत मुश्किल है, आजकल कोई बात छुपी नहीं रहती। तो ये डॉक्टर्स का बोर्ड बैठे कि उसका ज़हनी तवाज़ुन कैसा है, और अगर ये साबित हो जाए वो ठीक है, हो सकता है वक्ती तौर पे कोई परेशान था, कोई एक्टिविटी परफॉर्म की, मिसगाइड हो गया, उसके ऊपर तौबा पेश करें। मेरा ख्याल है सब के सब लोग तौबा पे आमादा हो जाएंगे जब उन्हें आगे जेल नजर आ रही होगी। कौन तैयार होगा जेल में जाने के लिए? लेकिन वो देख लें, वो पाकिस्तान में अब 295A 295B C इसके साथ कहीं उन्होंने कोई शिक नहीं जोड़ी हुई इस हवाले से कि अगर कोई शख्स तौबा कर ले तो उससे वो सजा खत्म कर दी जाएगी। मैंने कई दफा रिक्वेस्ट की है कि इस कानून को आप थोड़ा अपडेट करें, इसमें तौबा की शिक डालें। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 70 में आया, अगर कोई शख्स शिर्क से भी तौबा कर ले अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। अगर किसी से अनजाने में कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म होती है आप उसे समझाएं, वरना आप तो उस मुल्क के अंदर रह रहे हैं कि जहां करोड़ों लोगों का यकीदा है कि आप उनके सामने कुरान की आयत पढ़े ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और इसका तर्जमा करके बता दें कि ऐ नबी तुम फरमा दो कि इंसान होने में मैं भी तुम्हारी तरह हूं, यानी एज ए स्पीशी मर्तबे के तौर पर, तो आप वो गुस्ताखे रसूल समझेंगे, हालांकि कुरान की आयत है।